हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि 10th ICSE और 12th ISC का टाइम टेबल आ चुका है, तो आज उसके रिस्पेक्ट में मैं बात करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि आप अधिक से अधिक परसेंटेज गेंस कर सकें। पहले तो बात उनकी करता हूँ जिनका आई थिंक अप्रैल 1st तक सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है, कम से कम दो बार, एटलीस्ट दो बार, जिन्होंने बुक्स पूरी दो बार कंप्लीट कर चुकी है उनकी बात, और दूसरी बात फिर उनकी होगी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि किनको क्या करना है, बट स्टार्ट करते हैं रिवीजन से। सो लेट्स कंटिन्यू। टाइम टेबल कुछ ऐसा है, 5 में इंग्लिश लैंग्वेज, 8 में इंग्लिश लिटरेचर, 12 में हिस्ट्री सिविक्स, 18 में मैथ्स, 20 में जियोग्राफी, 28 फिजिक्स, 31 केमिस्ट्री, 2 जून बायो, 4 जून हिंदी एंड 7 जून कंप्यूटर। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमें इनको डिवाइड करना है उन पार्ट्स में जहां पे आपके पास ज्यादा गैप्स हैं और जहां पे आपके पास कम गैप हैं। तो देखिए, अगर हम गैप्स की बात करें तो यहां हमारे पास हिस्ट्री सिविक्स के बाद मैथ्स में बहुत ही ज्यादा गैप है, 6 डेज। और जिन बच्चों ने मैथ्स नहीं लिया है, कॉमर्स ऑप्ट किया है, उनके लिए जियोग्राफी के पास के लिए हिस्ट्री सिविक्स के बाद 8 डेज हैं, जो कि मोर देन एनफ है। इसके बाद आप देख रहे हैं सारे एग्जाम्स बहुत कम कम टाइम में हैं। इसके बाद अगला बड़ा गैप आपको ये फिजिक्स का मिल रहा है 8 डेज का। तो पहले एग्जाम में क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं, फिर हर चीजों को कैसे अब आपको प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरीके से आपको ध्यान देना चाहिए उसकी बात करते हैं। तो कोशिश करिए, अगर अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो अभी बहुत देर नहीं हुई है, कोशिश करिए कि 15th अप्रैल तक हर चीज को आप लोग एक बार पढ़ चुके हों। मोस्टली आपका मैथ्स, साइंस, ये आप बुक से हर चीज पढ़ चुके हैं, हर कॉन्सेप्ट आपको पता हो। और अगर अभी तक आपने 10 ईयर से मार्केट में आती है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स एक साथ होते हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं लिया है देन आई रिकमेंड यू कि आप ले। उससे आपको बोर्ड्स पता चल जाते हैं कि बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे हैं, और सैम्पल पेपर भी बहुत ढेर सारे होते हैं, आप सैम्पल पेपर भी देख सकते हैं। इस ईयर के ICSE की साइट्स पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये ICSE का है, क्लास 10th का। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, पर अगर आप वीक है थोड़े इंग्लिश लैंग्वेज में तो आपको क्या करना है, 1 से 5 में तक, वो जो 10 ईयर्स मैंने अभी बात की थी वो 10 ईयर्स आप यूज़ कर सकते हैं। 1 से 5 तक आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन लगातार लगाते रहें। जब आप क्वेश्चन लगाने लगेंगे तो आपको आंसर्स लिखने की आदत हो जाएगी। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि 3-3 घंटे वो 10 ईयर्स लेके बैठें, एक पेपर चूज कर लें किसी ईयर का, अगर आपका सब तैयार है उसको 3 घंटे लेके बैठें, पहले आपको बैठना सीखना होगा। अब देखिए, बात करते हैं तो 1 से 5 में तक आप इंग्लिश लैंग्वेज हर दिन कम से कम 1 या 2 पेपर सॉल्व करें, इससे आपका लैंग्वेज बहुत बेटर हो जाएगा और आपको थोड़ी आदत हो जाएगी लिखने की। अब देखिए, उसके बाद बात करते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर में आपके पास सिर्फ 3 डेज है, ओनली 3 डेज। तो इन 3 डेज में से आपको 1 में से पहले की बात अगर हम करते हैं तो आप 25th अप्रैल से 1 मई तक इंग्लिश लिटरेचर का सिर्फ और सिर्फ नॉवेल पढ़िए। नॉवेल में वर्कबुक्स आती हैं, आप वर्कबुक यूज़ कर सकते हैं अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स तैयार हैं। अगर आप न्यू नहीं हैं, आपने बहुत पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो आप वर्कबुक कंप्लीट कर सकते हैं फ्रॉम 25 अप्रैल टू 1 मई, सिर्फ और सिर्फ नॉवेल का, जो भी नॉवेल आपकी अभी चल रही है, तो उससे आपका आंसर राइटिंग आपकी बेटर हो जाएगी। उस वर्कबुक का आप प्रीवियस पढ़ सकते हैं कि इसमें किसका किसका है। हाँ, और अगर आपने तैयारी एकदम नहीं स्टार्ट की, आपने कभी टच नहीं किया है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि यही वापस से जो मैंने 10 ईयर्स की बात की थी, 25 to 1 आप 10 ईयर्स लगाइए, और 10 ईयर्स में सिर्फ और सिर्फ आपको लगाना है नॉवेल। स्टोरी और पोएम की बात यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ नॉवेल। उसमें जैसे मान लीजिए आपने दिन भर नॉवेल लगाया, मतलब नॉवेल के क्वेश्चंस लगाए, उसके साथ साथ आप रात में जब सोने जा रहे हैं तो आधे घंटे के लिए किसी पोएम या किसी स्टोरी को पढ़ लें, तो उससे आपको कन्वर्ट करना बहुत आसान होगा।
फिर ये 6 to 7 में क्या करना है, 5 को आपका खत्म हुआ, 5 को पेपर दे के आने के बाद आप उस दिन स्टोरीज पूरी पढ़ लीजिए, ठीक है। स्टोरीज आपकी एक बार में खत्म हो जाती है, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। 5 पूरा स्टोरी के लिए, 6 को ओनली पोएम, और फिर 7 और 8 लिटरेचर। इस तरीके से आपका इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। फिर आपके बाद आता है 8 से 12 में हिस्ट्री। अब जिन्होंने एक बार पढ़ रखा है हिस्ट्री, वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करें 10 ईयर्स के, और कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने एकदम ही नहीं पढ़ा है, तो हिस्ट्री आपका मैं बताता हूँ, 8 को जब आप पेपर देके आएंगे तो उस दिन आप सिविक्स पढ़ लें। सिविक्स बहुत ही छोटा है और कॉम्पैक्ट है, इजी है। तो 8 को आप 8 पूरा और 9 हाफ आप सिर्फ सिविक्स पढ़िए। फिर आप 9 के बाद से स्टार्ट करिएगा हिस्ट्री, 9, 10, 11 बहुत समय है। तो आप हिस्ट्री में ज़्यादा, आपको अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और आपने पढ़ रखी है, तो आप फिर वापस से रीडिंग कर सकते हैं, आंसर लिखना सीख सकते हैं। पर अगर आपने एकदम नहीं पढ़ी है, तो हिस्ट्री के जो एक्सरसाइज हैं चैप्टर के बाद जो दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए, सिर्फ लॉन्ग आंसर, क्योंकि लॉन्ग आंसर आपके शॉर्ट को भी कवर कर देंगे। उसके बाद आप देखिए, ये आता है मेजर गैप आपका, 12 से 18 में मैथ्स, जिन्होंने मैथ्स लिया उसके लिए आपके पास 6 डेज है। तो इन 6 डेज में आप क्या करिएगा, 12, 13 and 14 आपको 2-2 या 3-3 घंटे सिर्फ मैथ्स लगाना है, 12, 13 and 14 को, और उसी में आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी रिवाइज कर लेना है। ये बात समझ में आ रही, क्योंकि इसमें कम दे है। तो 12 के बाद 12, 13 and 14 सिर्फ 2 से 3 घंटे मैथ्स, और बाकी उसी में आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी अपना रिवाइज कर लेंगे। या तो आप 10 ईयर से कर सकते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व जितने करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। फिर जैसे ही 14 खत्म होगा, 15, 16, 17 सिर्फ और सिर्फ मैथ्स। जिन्होंने पढ़ रखा है वो अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। बुक के एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी हैं लगाने, जिनकी बुक खत्म हो चुकी है वो बुक के एग्जांपल ज़रूर लगाएं, उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये ICSE और ISC दोनों के लिए है। और जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो ऑब्वियसली बात है वापस से 10 ईयर्स का सहारा ले, देखे कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर 18 को जब आपका मैथ्स खत्म होता है, जिन्होंने मैथ्स लिया है, जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है वो 17 तक केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स की तैयारी, फिजिक्स में तो बहुत टाइम है, केमिस्ट्री बायोलॉजी या कंप्यूटर कॉमर्स की तैयारी कर सकते हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है। और फिर वो 17 से स्टार्ट करेंगे 17 to 20 जियोग्राफी की। अब जिन्होंने मैथ्स लिया है वो 14 के बाद एक दिन चाहें 15 को, तो ये केमिस्ट्री बायो छोड़ के 15 को थोड़ा सा जियोग्राफी पढ़ सकते हैं। जियोग्राफी में आप चैप्टर वाइज डिवाइड कर लीजिएगा कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जियोग्राफी में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली 10 ईयर्स की तरफ जा सकते हैं, और आप देखिए कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन ही आते हैं। अभी तक जो ट्रेंड रहा है हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो आप कुछ चैप्टर पिक कर लीजिए कि मैं इनको पढ़ूंगा। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप परफेक्ट कर लीजिए, जिन्होंने एकदम नहीं पढ़ा है वो चैप्टर्स पिक कर लें कि इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं मुझे, क्योंकि जियोग्राफी का ट्रेंड क्या रहा है कि हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आते हैं, मिक्स करके नहीं आते हैं जनरली। तो आप चैप्टर अपने पिक कर लीजिए और सिर्फ उन्हीं को पढ़िए, तो उससे आपका जियोग्राफी इजिली कवर हो जाएगा। तो आप 15 को जियोग्राफी कर सकते हैं, फिर 18, 19 में आपका जियोग्राफी आराम से खत्म हो जाएगा। आपको चैप्टर पढ़ना है, आप हिस्ट्री की तरह ही जियोग्राफी में भी सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग आंसर्स देखिएगा कि लॉन्ग आंसर, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स कई सारे शॉर्ट कवर कर देते हैं। तो अगर आपको आपने एकदम नहीं पढ़ा है तो वो, और हाँ, टोपोशीट 20 मार्क्स की आती है और टोपोशीट बहुत ही ईजी होती है, तो टोपोशीट आप ज़रूर स्कोर करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो 20 मार्क्स आपको फ्री मिल रहा है। फ्री तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ बच्चों को नहीं आता, तो टोपोशीट ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए, वो 20 मार्क्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो उस 20 मार्क्स के बाद आपको तीन चार चैप्टर और आप प्रिपेयर कर लेंगे, तो हर चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन, तो 30 to 40 मार्क्स आपके आ गए ऐसे, और 15 मार्क्स आपके टोपोशीट से आ गए, तो 50 आप आराम से पहुँच जाएंगे। अब आती है ज्योग्राफी के बाद फिजिक्स की बारी। फिजिक्स में आपके पास 8 डेज हैं, पर उसके बाद केमिस्ट्री और बायो में आपके लिए बहुत ही कम दिन है। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, 20 आप पेपर देके आए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ है कि आपको एग्जाम में ब्रेक नहीं लेना है। एग्जाम में ये मत सोचेगा कि आज ही पेपर देके आया हूँ, कल पढ़ूंगा। एग्जाम में ब्रेक्स बहुत ही हार्मफुल होते हैं, और जो रिग्रेट होते हैं वो रिग्रेट से आपको फिर रहना पड़ेगा। जैसे 20 को आप पेपर देके आइए, आप 24 से लेकर 28 सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स को दे दीजिए। 24 के पहले आप 20, 21 और 22 का हाफ केमिस्ट्री को दीजिएगा, एंड 22 का हाफ एंड 23 आप बायो को दीजिएगा। आप 22 का हाफ और 23 बायो के डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिएगा।
देख लीजिएगा कौन कौन से डायग्राम जनरली आते हैं, गिव एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट फंक्शन, सेक्शन ए। सेक्शन ए आपका जितना स्ट्रांग रहेगा सेक्शन बी में उतने अच्छे मार्क्स उठते हैं, तो सेक्शन ए की तैयारी जरूर कीजिएगा। तो जैसे ही देखिए 2021 को आपको सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना है, 22 का हाफ अगर आपका केमिस्ट्री तैयार हो चुका है तो आप 22-23 बायो पढ़ सकते हैं, अगर आपका नहीं तैयार हुआ है तो 22 का हाफ और 23 आप बायो प्रैक्टिस कर सकते हैं, डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद आता है आपका 24, फिर 24 से 28 सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स। जो चैप्टर्स आपके तैयार हैं पहले उनको कोशिश करिएगा तैयार करने की, उनको उनसे मार्क्स ना कटें, इसके बारे में एंड में बात करता हूँ। फिर 24 से 28 आपका हो गया ये फिजिक्स, फिजिक्स के बाद वापस से आप 28, 29, 30, 31 केमिस्ट्री, और फिर तो सब सारी चीज़ें लाइन्स हैं। तो ये था आपका बेसिक कि प्रिपेयर कैसे करना है, एग्जाम्स के बीच क्या करना है। अब कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अब बेसिकली जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनकी बात करें तो बच्चे भी यहाँ दो ग्रुप में डिवाइडेड होंगे, मुझे पता है। बेसिकली हम तीन ग्रुप कह सकते हैं, जिन्होंने स्टार्ट से ही किया हुआ है और अब उनका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है या कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। एक वो है जिन्होंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है और अभी वो हाफ में है या मोर देन हाफ मोर, और वो फाइनली कंप्लीट कर ही लेंगे। और कुछ ऐसे हैं मतलब इनके सब्जेक्ट वाइज, और कुछ ऐसे हैं नॉट येट स्टार्टेड या जस्ट स्टार्टेड वाले। तो अब किसको क्या करना है वो सुनिए। जिन्होंने स्टार्ट करके पूरा खत्म कर रखा है, देखिए आप भूलते भी जाते हैं पीछे का, तो अगर आपने खत्म कर दिया है तो अब आप यहां से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कीजिए। इस बात पे मत बैठिए कि मैंने सब थ्योरी पढ़ लिया, क्योंकि क्वेश्चन वहां पे कैसा होता है वो कीजिए। स्टार्ट कीजिए आप हाफ एन आवर करके, और फिर 3 आवर का पूरा टेस्ट देने की कोशिश कीजिए हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। बाकी आप बोर्ड एग्जाम की बेसिक स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। अब जिनका हाफ हो गया और कुछ दिन में खत्म होने वाला है, अब वो कोशिश करें कि वो भी चैप्टर सॉल्व करना स्टार्ट करें, चैप्टर वाइज चाहे आप सॉल्व, क्योंकि इनका जो खत्म हो चुका है वो 3 आर के पूरे पेपर दे सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनकी छोरीज तैयार है, आपको आंसर लिखना सीखना है। जिनका हाफ है जो कुछ महीनों में मतलब अप्रैल 15 जो मैंने डेट बताई थी वहां तक तैयार हो जाएगा, उसके बाद वो नॉर्मल स्ट्रेटजी फॉलो करें और वो अब जो जो चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं उसके एक्सरसाइज सॉल्व करते जाए। और ये कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लिखें, ये नहीं कि ये मैंने देख लिया अरे ये तो आराम से हो जाएगा। अब बात उनकी आती है जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या जस्ट स्टार्टेड वाले हैं। तो देखिए आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस मदअप करें और ख़त्म कर दें, तो आप 10 ईयर पर रिलाई करिए। हाँ बट एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो रिसेंट 10 ईयर आ रही है ये डिलीटेड सिलेबस के साथ है या बिना डिलीटेड सिलेबस के साथ है। अगर डिलीटेड सिलेबस के साथ है देन वेरी गुड, और अगर नहीं है तो आप उसमें से पहले कट कर लीजिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पढ़ सकें। तो जिन्होंने 10 ईयर्स ले ली है और जिन्होंने नॉट येट स्टार्टेड या जस्ट स्टार्टेड है, वो अब चैप्टर वाइज कोशिश करें। अगर आपके कुछ चैप्टर्स तैयार हैं, सारे सब्जेक्ट की बात हो रही है, एक सब्जेक्ट किसी की बात नहीं हो रही, अगर आपके चैप्टर्स तैयार हैं देन इट इज़ वेरी गुड। जो चैप्टर तैयार हैं उनको एकदम स्ट्रांग कर लीजिए, उनसे मार्क्स आपके नहीं कटने चाहिए किसी भी हालत में। और जो चैप्टर आपके नहीं तैयार हैं, अब उन चैप्टर्स को खोलिए, अब आपके पास समझने का टाइम बहुत कम है। अगर आपकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है तभी एक कोशिश करिएगा, नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप चैप्टर खोलिए। जैसे मान लीजिए आपने बायोलॉजी में खोलिया फोटोसिंथेसिस या सर्कुलेटरी सिस्टम, तो अब आप उस चैप्टर को खोलिए और 10 ईयर्स में से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको टिक कर लीजिए या एक कॉपी बना लीजिए अलग से, उसमें लिख दीजिए कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 1 मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स, और उस पर टिक करते जाइए कितनी बार आए, एक बार आए तो एक बार, दो बार आए तो दो बार, वैसे टिक करते जाइए और फिर उसको याद करिए। और ये भी आपको स्टार्ट करना है लॉन्ग आंसर से, हर सब्जेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो जो जस्ट येट स्टार्टेड वाले हैं वो सिर्फ 10 ईयर्स पर ध्यान दें और चैप्टर वाइज यही करते जाए हर सब्जेक्ट के लिए। और जो सब्जेक्ट आपका हो जा रहा है किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं करना है, हर एक सब्जेक्ट आपका परसेंट कम ही करेगा। तो ये सारे हो गए स्टार्ट वाले, वापस मैं रिपीट करता हूँ, स्टार्ट वाले 3 आर लेके बैठे हैं, जो सब्जेक्ट तैयार है जो सब्जेक्ट नहीं तैयार है। सबसे पहले सबको ये कोशिश करनी है कि बाई 15 अप्रैल ये लास्ट डेट है 15th, और बहुत अगर डिले आप कर रहे हैं तो 20th अप्रैल, जो स्टार्ट वाले हैं उनका सारा चैप्टर कवर्ड हो, सारे टाइप के क्वेश्चन वो कर चुके हों,
जो हाफ है या जो 15-20 अप्रैल तक करने वाले हैं वो अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें धीरे धीरे, चैप्टर वाइज करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं, उनके कुछ तैयार है कुछ नहीं है। और जो नॉट येट स्टार्टेड हैं या जस्ट स्टार्ट किए हैं, देर आपके लिए भी नहीं हुई है, आप भी 80% पहुंच सकते हैं, बट आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी होगी इन लोगों से। आपको हर एक चैप्टर में खोजना होगा, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा, आपको हर चैप्टर में खोजना होगा कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको नेट पर ईजिली मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आपके पास नेट है, तो आपको ये मिल ईजिली जाएगा। तो आप देख लीजिए कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप इसको डायरेक्टली देखिए और उस चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि इसमें ये क्वेश्चन है और उसको याद कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका भी 15-20 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। तो बस तरीका अलग अलग है तीनों लोग का, ये ज़्यादा समय से है, तो ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो ये श्योर शॉट है, सक्सेस की गारंटी मेरी है। बस मेहनत थोड़ी आपको ज़्यादा लगेगी, मुझे पता है कई सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि अरे आपको क्या पता, हम लोगों को टेंशन है, आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैंने भी 10th पास किया ही है। तो आप इसको अपनाइए, मेरी गारंटी आपको मिनिमम इन बच्चों का भी 75-80% तो आ ही जाएगा। बट अगर आप हर एक सब्जेक्ट को ध्यान दें और टाइम दें, देखिए शॉर्टकट का कोई भी सक्सेस नहीं है, अभी बहुत दिक्कत होती है, फ़ोन लॉकडाउन भी बीता है तो फ़ोन दिन भर हाथ में रहता है, तो फ़ोन रख के पढ़ने में बहुत मेहनत लग रही है। बट एक बात याद रखिएगा, रिग्रेट इज़ वेरी बैड, रिग्रेट मतलब ग्लानी। अगर आप एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, आपके स्कूल्स में प्री बोर्ड हो ही रहे होंगे, एग्ज़ाम से बैठते हैं आपके दिमाग में भी आता होगा कि काश पढ़ लिए होते, तो वो जो बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आएगा वो रिजल्ट आएगा वो बहुत बुरा होता है। तो आई विश आपके साथ ना, आप स्ट्रेटजी को फॉलो करें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मुझे ये दिक्कत है, आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दैट एंड डू फॉलो दिस स्ट्रेटजी, आई थिंक आपको फ़ायदा होगा। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि मुझे कंसंट्रेशन में दिक्कत हो रही है, पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, आधे घंटे नहीं बैठ पा रहा हूँ, तो देखिए अब आपके पास टाइम भी नहीं है, आपको ज़बरदस्ती करनी होगी अपने साथ और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि कई बच्चे ये भी कहते हैं कि सर बैठे रहते हैं तो 5 मिनट बाद मेरा दिमाग इधर उधर होने लगता है। आप 5 मिनट मेडिटेशन ट्राई कीजिए, 5 मिनट कुछ नहीं, दिमाग में एक फिगर बनाने का सोचिए, मान लीजिए आप फुटबॉल का ही या कोई भी आपका आइडल है, या एक बैग ले लीजिए, घड़ी ले लीजिए, वॉच, फोन तो डिस्ट्रैक्शन ही, कोई वॉच ले लीजिए, कुछ भी है आपके मन में, कोई भी है, उसकी फिगर बनाने की सोचिए, दिमाग बंद करके आँख बंद कर लीजिए और सोचिए कि हम उसका फिगर बना रहे हैं, जब उसकी फिगर कंप्लीट हो जाए तो आँख खोलिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इस तरीके से आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस, इतना ही बताना था, आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।